नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कुंडली को जानने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तीन चीज़ें होती हैं वो होते हैं ग्रह राशियां और बाप नौ हमारे ग्रह होते हैं सूर्य चंद्र मंगल बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु और हमारी बारह राशियाँ जो होती हैं वो मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन और फिर हमने ये भी जाना था कि जो भाव होते हैं वो हमारे बारह भाव होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व जिनको हम होसेस या घर भी कहते हैं और इनकी काउंटिंग हमेशा एंटी क्लॉक वाइज़ ही स्टार्ट होती है उसके बाद दोस्तों हमने ये देखा था कि जो राशियाँ होती हैं उन सबके मालिक होते हैं और सूर्य और शुक्र सूर्य और चंद्र की एक एक ही राशि इनके हिस्से आई है बाकी सबके हिस्से में दो दो राशियाँ आई हैं तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा इसके बाद दोस्तों आज हम जानेंगे भाव के बारे में और ग्रहों के बारे में थोड़ा और इलेबोरेटिव वे में जानेंगे आज हम ठीक है दोस्तों दोस्तों अब हम देखते हैं कि जैसे जो हमने ग्रहों के बारे में कल पढ़ा था कि सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि केतु राहु ये नौ ग्रह होते हैं दोस्तों इनके इनको हम ब्रॉडली दो पार्ट्स दो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं इनके अच्छे करैक्टरिस्टिक्स और बुरे करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मतलब इनको पापी ग्रह और कुछ को शुभ ग्रह है और अशुभ ग्रह माना जाता है इस हिसाब से इनको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाता है दो ग्रुप्स में जो पहला ग्रुप है वो शुभ ग्रहों का है यानी सूर्य चंद्र मंगल और गुरु दूसरा ग्रह दूसरा जो ग्रुप है वो उसमें आ जाते हैं आपके बुध शुक्र शनि राहु और केतु दोस्तों जो बुध है इसको न्यूट्रल भी माना जाता है कुछ लोग इसको न्यूट्रल मानते हैं क्योंकि इसकी ग्रुप वन के साथ भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और ग्रुप सेकेंड के साथ भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो इसी के बेस पे दोस्तों इन ग्रहों की आपस में शत्रुता और मित्रता होती है जैसे जो सूर्य है वो फर्स्ट ग्रुप का है तो इसकी ऑलमोस्ट फर्स्ट ग्रुप के सभी ग्रहों के साथ इसकी मित्रता ही रहेगी वैसे ही जो चंद्र है मंगल है बुध है इनकी इसी हिसाब से एक दूसरे से मित्रता रहती है सिर्फ एक बुध ऐसा ग्रह है देखिए दोस्तों जो शुक्र है जैसे कि जो बुद्ध है उसका जो मित्र हैं वो पहले ग्रुप से भी है और दूसरे ग्रुप से भी है तो बुद्ध को छोड़कर बाकी ये दो ग्रह हो गए हैं जिनकी आपस में मित्रता और शत्रुता रहती है इन दो ग्रुप के अकॉर्डिंग ठीक है दोस्तों आप ये पढ़ लेना एक बार उसके बाद दोस्तों इन सब की दृष्टि होती है जो ग्रह होते हैं वो दृष्टि होती है इन सब की कि ये कहाँ पर पूर्ण दृष्टि अपनी डाल सकता है जो सूर्य है वो अपने से सातवें घर में जो चंद्र है वो भी सातवें घर में जो बुध है वो भी सातवें घर में डालेगा और जो शुक्र है वो भी सातवें घर में दृष्टि का दोस्तों ये अर्थ है कि जैसे अगर कोई ग्रह किसी एक पर्टिकुलर हाउस में बैठा हुआ है और वहाँ से अगर वो सातवें घर में देख रहा है तो उसका फुल इफेक्ट जो जिस घर में वो बैठा है वहाँ पर तो होगा ही उसके साथ उसके सेवंथ हाउस में भी उसका फुल इफेक्ट माना जाता है लेकिन दोस्तों ये मंगल गुरु और शनि जो है ये सिर्फ सेवन्थ को छोड़कर सेवन्थ में तो इनकी फुल दृष्टि रहती ही है उसके साथ मंगल की दो और घरों में गुरु की भी दो और घरों में और शनि की भी दो और घरों में यानी कि इनकी तीन तीन घरों में पूर्ण दृष्टि रहती है मतलब शनि एक जगह बैठा है तो वो तीसरे घर को सातवें घर को और दसवें घर को भी देख रहा है वैसे ही मंगल चौथे सातवें और आठवें को और गुरु पाँचवें सातवें और नौवें को आइए दोस्तों ये जो दो चीज़ें हमने देखी है उसका हम एक बार प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं ठीक है दोस्तों ये आपको पता चल गया कि ये जो कुंडली में जो बॉक्सेस होते हैं ये बाव होते हैं या घर बोलते हैं इनको फर्स्ट घर सेकंड घर थर्ड घर फोर्थ घर और ये जो अभी हमने दोस्तों जैसे कि देखा कि ये सैटर्न है फिर उसके बाद ये आपने देखा कि ये वीनस मरकरी जुपिटर और राहू एक ही घर में बैठे हैं तो आपको अब पता चल जाना चाहिए कि इनके ये शत्रुता के हिसाब से जैसे ये बारहवा घर है तो हमें पता चल गया कि बारहवें घर का जो मालिक है वो कौन है बारहवें घर का मालिक है जुपिटर और जुपिटर के घर में कौन बैठा है जुपिटर ही बैठा है और लेकिन जुपिटर के साथ कौन कौन बैठा है देखिए कौन कौन से ग्रुप के लोग हैं मरकरी है इसके साथ और वीनस है इसके साथ जबकि जुपिटर की जो शत्रु हैं ये देखिए ये गुरु है गुरु के जो शत्रु हैं उसमें शुक्र है और बुध है यानी कि जो जुपिटर यहाँ पर बैठा है उसके साथ वो अपने शत्रुओं के साथ बैठा है हालांकि वो अपने ही घर में बैठा हुआ है ठीक है दोस्तों इसको इस तरह से हम पढ़ते हैं तो हम आगे चलते हैं अब धीरे धीरे हम भाव के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं पहले दोस्तों ये बाव के बारे में है हमने देखा कि बारह भाव होते हैं तो इन सब भाव के जो कुछ कुछ अपने करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि जो पहला भाव है उसे हमें क्या पता चलता है उससे हमें जन्म का स्वभाव का व्यक्ति के संपूर्ण कुंडली का व्यक्ति के कद का सर का और आयु का पता चलता है जो सेकंड भाव होता है उससे धन नेत्र मुख वाणी परिवार का पता चलता है जो थर्ड होता है उससे छोटे भाई बहन मानसिक संतुलन छोटी छोटी जो हमारी यात्राएं होती हैं वो और साहस का पराक्रम का पता चलता है फोर्थ जो हमारा घर रहता है उससे माँ का सुख का वाहन का घर का प्रॉपर्टी का भूमि का या ससुर का इन सब चीज़ों का पता चलता है पाँचवें घर का जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें बताते हैं बच्चे बुद्धि प्रेमिका और गुप्त धन के विषय में दोस्तों इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं ये मैंने कुछ जो मेजर थिंग्स हैं उन्हीं को यहाँ पर रखा है ताकि आपको समझने में थोड़ा बेसिक लेवल है तो समझने में थोड़ा इजी रहे वैसे ही दोस्तों छठा घर रोग शत्रु ऋण चोट और कंपटीशन का होता है सातवां घर पत्नी के बारे में या पति के बारे में जानकारी लेने के लिए विवाह पार्टनर आठवां घर आयु खतरा दुर्घटना के लिए नौवां घर भाग्य गुरु पिता धर्म लंबी लंबी यात्राएं दसवां घर आपका कर्म किस हिसाब का रहेगा क्या काम रहेगा क्या व्यवसाय रहेगा किस पद पर रहेंगे ख्याति होगी सम्मान मिलेगा या किस तरह का बिजनेस प्लान करते हैं उद्योग कैसा रहेगा आपका ग्यारहवें घर से आपको लाभ का अभिलाषा पूर्ति और अर्निंग्स का पता चलता है और बारहवें घर से खर्चे और नुकसान का और ये मोक्ष का भी यहीं से पता चलता है ठीक है दोस्तों दोस्तों अब हम मैंने आपके लिए ना थोड़ा सा ये इजी करके भी थोड़ा सा रखा है कि शॉर्ट में अगर देखना हो तो जैसे ये देखिए मैंने ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट घर से स्टेमिना और करेक्टर का पता चल जाएगा सेकंड घर से वेल्थ कैसी होगी स्पीच कैसी होगी अर्ली एजुकेशन कैसी होगी फैमिली कैसी होगी उसकी देखिए पहले ये इंसान है फिर उसकी फ़ैमिली कैसी रहेगी ठीक है फिर उसका आस पड़ोस कैसा रहेगा उसके भाई बहन कैसे रहेंगे थर्ड घर से हमें ये पता चलता है फिर फोर्थ घर से हमें ये पता चलता है कि वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा कैसा घर होगा कैसे उसके व्हीकल होंगे ठीक है किस हिसाब की वो नॉलेज जो है वो गेन करेगा उसको कैसी बीमारी रहेगी ठीक है कौन से कंपटीशन में भाग लेगा या सक्सेस मिलेगी या नहीं फिर कहाँ पर उसकी शादी होगी उसका सोशल सर्कल कैसा रहेगा उसकी यात्राएं कैसी होंगी फिर उस वो क्या क्या मेजर ऑब्स्ट्रक्शंस हैं या फिर डीप रिसर्च में वो जाएगा तो कैसा रहेगा उसको घर की संपत्ति प्राप्त होगी या नहीं होगी तो ये सब चीज़ें हमें आठवें घर से पता चलती हैं उसके बाद नौवें घर से हमें उसके जो कर्म है उसका वो कैसा स्पिरिचुअलिटी में कैसा रहेगा वो पता चलेगा पिता का घर होता है ये गुरु का घर होता है फिर उसके बाद दसवें घर से हमें उसका प्रोफेशन फेम नेचर ऑफ वर्क के बारे में पता चलता है और उससे कैसी इनकम होने वाली है वो ग्यारहवें घर से और हमारे बारहवें घर से हमें एक्सपेंडिचर का पता चलता है या फिर फॉरेन की जो यात्रा रहती है उसका पता चलता है दोस्तों इसका मैंने एक और आपके लिए ग्राफ लेके आया हूँ देखिए दोस्तों ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी यूज़ किया जाता है फर्स्ट से देखिए सिंपल है पहले घर से उसकी बॉडी का पता चलेगा कि होल बॉडी उसकी कैसी है उसका कॉम्प्लेक्स कैसा है उसका सर उसके बालों का टेक्सचर तक कैसा है ये हमें फर्स्ट घर से पता चलता है देखिए ये आ गया उसका फेस उसकी बॉडी आ गई ठीक है अब ये सेकेंड घर में हमें पता चलेगा राइट right आई का और ट्वेल्थ घर से पता चलेगा लेफ्ट आई का वैसे ही ये ईयर लगा लीजिए आप ये राइट right ईयर है ये आपका लेफ़्ट ईयर है ठीक है दोस्तों थर्ड से हमें उसके थ्रोट और उसके शोल्डर का भी पता चलता है फोर्थ आ गया दोस्तों उसके चेस्ट का पता चलेगा हमें उसके लंग्स में उसके हार्ट का हिस्सा आ गया नीचे आ गए हम थोड़ा सा फिर उसके बाद एबडामन गोल ब्लैडर और प्रेगनेंसी का पता करने के लिए हमें फिफ्थ घर देखना होता है सिक्स घर में हमें उसके इंटेस्टाइन उसका जो किडनी है या फिर एक्सीडेंट है या फिर उसका सर्जिकल ऑपरेशन वो हमें सिक्स घर से पता चलता है यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है एनल कैनाल में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है वो हमें सातवें घर से पता चलता है जेनाइटल्स का और कोई क्रोनिक बीमारी या जैसे कि कोई कैंसर वगैरह हो गया या कुछ क्रोनिक बीमारी है उसका हमें कहाँ से पता चलता है दोस्तों आठवें घर से नवें घर से उसके हिप्स और थाइस का पता चलता है दसवें घर से नी जॉइंट का और नी कैप का पता चलता है ठीक है घुटनों में दर्द है या फिर उसके बाद आपको ग्यारहवें से हम मैंने बता दिया ये ईयर्स का होता है और टांगों का भी होता है उसके बाद आपका बारहवा घर जो राइट लेफ़्ट आई का हो गया और उसके बाद ये स्लीप कैसी रहेगी इंसान की और उसके पाँव का भी होगा फीट का भी होता है ठीक है दोस्तों अब हम इन सब को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं दोस्तों ये तो दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा कि ये जो बॉक्सेस होते हैं ये घर होते हैं घरों में ये जो नंबरिंग है ये राशियां हैं और राशियों के अपने मालिक होते हैं और ये जो सिंबल्स हैं ये ग्रहों के नाम होते हैं उसके बाद हमने देखा कि ग्रहों की आपस में किन के साथ मित्रता है किन के साथ उनकी शत्रुता है देखिए जैसे ये बारहवा घर है तो वैसे ही ये बारहवें घर में एक दो तीन चार ग्रह बैठे हैं तो हमें पता चल गया कि कौन सा ग्रुप वन को बिलोंग करता है कौन सा ग्रुप टू को बिलोंग करता है जैसे जुपिटर के साथ ग्रुप वन के लोग बैठे हैं या टू के बैठे हैं अगर दूसरे ग्रुप के बैठे हैं तो मतलब वो शत्रु हैं ठीक है दोस्तों उसके बाद हमने देखा कि दृष्टियों के बारे में जाना आज हमने कि शनि है अगर ये पहले घर में बैठा है तो इसकी सातवें यहाँ से सातवां घर ये वाला हो गया जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सातवें घर में दृष्टि है उसके बाद तीसरे घर में भी है एक दो और तीसरे घर में भी है और उसके बाद दसवें घर में भी है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस वैसे ही जो मंगल आ गया तो मंगल की मंगल की कहाँ कहाँ दृष्टि होती है दोस्तों देखिए चौथे सातवें और आठवें घर में तो ये मंगल आ गया मंगल की यहाँ से चौथे घर में एक दो तीन, तीन चार चौथे घर में होगी उसके बाद पाँच छः सातवें घर में, में होगी और उसके बाद आठवें घर में भी होगी ठीक है दोस्तों यानी मंगल एक चौथे घर में भी होगी सातवें घर में और आठवें घर में भी मंगल की दृष्टि रहेगी ठीक है दोस्तों वैसे ही गुरु की दृष्टि तो गुरु कहाँ बैठा है हमारा गुरु बैठा है हमारा पाँचवें घर में पाँचवें घर से इसकी एक सातवें में, में होगी ही एक दो तीन चार पाँच छः सातवें घर में दृष्टि होगी और गुरु की पाँचवें और नौवें में भी होती है तो एक दो तीन चार पाँच इस घर में भी रहेगी और छः सात आठ नौ में घर में भी रहेगी ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही